दोस्तों, मैंने नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखी डियर। डियर इस फिल्म का नाम इसलिए है क्योंकि जो हीरोइन है उसका नाम है दीपिका और जो हीरो है उसका नाम है अर्जुन। तो दीपिका का DE, अर्जुन का AR मिला के क्या बन गया? डियर। तो ये फिल्म इंटरवल तक ऐसा लगता है कि जैसे कि खर्राटों पर बेस्ड है, यानी कि जो ये लड़की है इसको आते हैं खर्राटे, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो रही। मैं सोते समय खर्राटे लेती हूँ। आप सच बोल रही हैं क्या? मदर प्रॉमिस बहुत तेज खर्राटे लेती हूँ। खर्राटे? ज्यादा तेज नहीं, थोड़ा लाइटली, सिर्फ सोते समय बस। आर यू सीरियस? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मम्मी। और इसकी घर वाले इस लड़के से छुपा के इसकी शादी कर देते हैं और इस लड़के के घर वालों को नहीं मालूम कि ये लड़की खर्राटे लेती है। अब शादी के बाद लड़के को पता लगता है कि लड़की खर्राटे लेती है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी है। तो फिल्म स्टार्टिंग अच्छे से होती है, इंटरवल तक आता है मजा, क्योंकि पूरी फिल्म खर्राटे के इर्द गिर्द घूम रही है। और खर्राटे पर एक पहले भी एक फिल्म आई थी, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें लड़के को खर्राटे आते हैं। तो हल्की फुल्की कॉमेडी नजर आती है, सीरियस टॉपिक नजर आता है और इतना अंदाजा लग जाता है कि अभी खर्राटे पे हल्की फुल्की कॉमेडी हो रही है, फिर ये फिल्म बीच में सीरियस हो जाएगी और लास्ट में खर्राटे के साथ ही लड़का लड़की को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये फिल्म ट्रैक भटक जाती है इंटरवल के बाद। इंटरवल के बाद फिल्म चली जाती है पति पत्नी के रिश्तों में, कितनी समझ होनी चाहिए, कितना अपनापन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, उसके बाद भी माफ कर देना चाहिए, सब्र करना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। और फिल्म ज्ञान बांटने पे उतर जाती है। ज्ञान बांटना अच्छी बात है, फिल्म में एक एक जो ज्ञान बांटा गया है महिला पुरुष पति पत्नी के रिश्तों पर, वो बहुत ज्यादा जुनैन है, यूनिक है और बड़े काम का है। लेकिन एंटरटेनमेंट तरीके से नहीं दिया गया है वो ज्ञान, तो इस फिल्म से लगती है फिल्म थोड़ी थोड़ी बोझिल। यानी कि इंटरवल तक आता है मजा, इंटरवल के बाद ऐसा लगता है फिल्म को खींचा जा रहा है। और फिल्म जो खर्राटे पे बेस्ड थी, वो फिल्म का टॉपिक ही पूरा चेंज हो जाता है, और टॉपिक पूरा चेंज किस पे हो जाता है? पति पत्नी के रिश्ते पे। और फिल्म इस तरीके से फिर खत्म होती है। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है, मजा आएगा, लेकिन इंटरवल के बाद पर्सनली मेरे को तो ज्यादा मजा नहीं आया। इंटरवल तक फुल मजा आया, इंटरवल के बाद मेरे को थोड़ा सा मजा कम हो गया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्म हम इंटरवल से पहले देख रहे थे, क्या वही फिल्म ये चल रही है? तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ओके ओके टाइप ये फिल्म मेरे को लगी, मतलब देखो तो ठीक, ना देखो तो ठीक। और इंटरवल तक तो बहुत अच्छी है, इंटरवल के बाद फिर पर्सन टू पर्सन है, किसी को कैसी लग सकती है, किसी को कैसी लग सकती है। मेरे को तो इंटरवल के बाद ज्यादा मजा नहीं आया। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।